हाँ तो बच्चों कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इसके आगे। मैंने पहले सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए मैंने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, लिख दिए हैं, लेकिन एज सच इन रूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खुद से पता होगा, जब मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ खुद से स्ट्राइक करनी चाहिए। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने ले लेता हूँ, ये जो रूल्स लिखे हुए उसका समझाया हूँ मैं आपको थोड़ा सा, फिर बाद में रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा सिंपल सा, यहां मैंने लिखा हुआ है 8 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब मैंने ये कहा 3 इज एडेड टू बोथ साइड्स, तो आपको पता है यहां 8 प्लस 3 हो गया ग्रेटर देन 1 प्लस 3 हो गया, इट मींस 11 ग्रेटर देन 4। देखिए ये एक एग्जाम्पल ले लिया, दूसरे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, आपको केवल एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। आपको एग्जाम्पल समझने हैं, फिर खुद से एनालिसिस करना है कि ये रूल्स देखिए इसका कोई ऐसा सच यूज है, यूज तो है लेकिन ये कॉमन सेंस वाली बात है, खुद से भी समझ में आनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 2, 8 इज ग्रेटर देन 1, मैंने कहा 4 इज सब्ट्रैक्टेड, 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स, 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक। थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है मेरे को, मेरे पास स्पेस कम है, तो 8 माइनस 4 1 माइनस 4 विच इंप्लाइज 8 में से 4 माइनस किया 4, 1 में से 4 माइनस किया -3। सबको पता है ये होना है 101%। दो एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, तीसरे एग्जांपल पे मैं यहां आया। अब यहां लिखा हुआ है 8, एग्जांपल वही लेके चल रहा हूं, ग्रेटर देन 1, मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से लिख नहीं रहा हूं, 8 इंटू 2 1 into 2, तो ये कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 2। सबको पता है छोटी छोटी चीजें हैं, सबके दिमाग में क्लियर है, लेकिन जब मैं आया, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, when both sides are multiplied or divided by negative number, the sign of inequality reversed। इस पर बेटा मैं नोट लेके दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको इसको फोकस करना है। बच्चे सबसे ज्यादा गलती इस पॉइंट पे करते हैं, जो मेन समझने वाली चीज है वो ये है। अब देखिए मैंने एग्जांपल नंबर 4 लिया, सारे बच्चे समझेंगे ध्यान से, एक एग्जांपल ले रहा हूं इक्वलिटी का, -x = -4 टर्म्स कटते थे, राइट, -x = -4 टर्म्स कटते थे, x = 4, -x = 4 तो x = -4, ठीक है। बट अब देखिएगा ध्यान से, मैंने यहां लिखा -8 इज लेस देन -1, इसी एग्जांपल के लिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया है, इसी एग्जांपल को लिया मैंने, देखिए ध्यान से, देखिए 8 इज ग्रेटर देन 1, मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराया, और देखिए मैं साइन को पलट रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है जब इधर और इधर माइनस का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा -8 और ये बन जाएगा -1, मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, साइन को मैंने हटा दिया वहां से। अब आप खुद सोचें कि -1 जो है -8 से बड़ा होगा ना, तो साइन तो किसी भी कीमत पर यह वाला नहीं लग सकता, तो यहां साइन चेंज हुए हमारे और साइन क्या हो गया, ये लग गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब इनइक्वलिटी के बोथ साइड में आप किसी नेगेटिव नंबर से, देन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटी आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स्ड। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
फर्स्ट पॉइंट एवरीवन नोस, मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई दिक्कत ही नहीं है। सारा का सारा खेल कहां बिगड़ेगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आपको ध्यान रखना है, इनइक्वालिटी के साइन पलट जाएंगे। जैसे मैंने ये कहा कि माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 4, तो सीधी सी बात है आपको यहां लिखना पड़ेगा एक्स इज लेस देन, ये माइनस का साइन जब उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी के साइन पलट जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका जो मैंने लिखा हुआ था रेसिप्रोकल वाला, ये भी बड़े ध्यान से समझिएगा आप सारे बच्चे प्लीज। देखिए सारे एग्जांपल मैंने यही लिख दिए हैं, थोड़ा सा हॉच पॉच लग रहा होगा आपको, बट बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसीलिए मैं इसको बाद में सब रफ कर दूंगा, फिर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। कि अगर मैं ये बोलूं 5 इज ग्रेटर देन 2, तो मैं समझता हूं किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल मैंने कंटिन्यू किया, एक एग्जाम्पल और लिया, तो 5 इज ग्रेटर देन 2 सभी को पता है। हाँ सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात चल रही थी व्हेन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी रेसिप्रोकेट, मेरे को वर्ड समझ में नहीं आया इसलिए मैंने रेसिप्रोकेट लिख दिया, रेसिप्रोकल किया। 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, सारे बच्चे जानते हैं 1/5 कितना होगा 0.2 और 1/2 कितना होगा 0.5, तो which one is greater 1/2। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज है, राइट बच्चों। तो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है, मैंने आपको बता दिया, अब आप इस लॉ को पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप इनइक्वालिटीज में दोनों साइड में कोई भी कांस्टेंट प्लस करो या माइनस करो, दोनों साइड पे प्लस करो या माइनस करो, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, ये देखिए मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड में हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, यहां आपको ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट जो आपका है कि अगर आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड को रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल करने के बाद भी इनइक्वालिटी के साइन पलट जाएंगे। तो ये आपका इतना सा रूल्स था, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे और उन ब्रैकेट्स को सीखेंगे कि हमें ब्रैकेट्स का यूज किस तरीके से करना है। देखिए मैं कंटिन्यू करता हूं और इसको रफ करता हूं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करें और ये रूल्स को लिख लें, वैसे आपको ये रूल्स कहीं भी किसी बुक में मिल जाएंगे। चलिए अब हम एग्जांपल्स की बात करेंगे, ब्रैकेट्स के बारे में सीखेंगे और इनइक्वालिटी को बहुत ज्यादा आसान बनाएंगे। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी ले लेता हूं पहले मैं, पेज नंबर 119 एनसीईआरटी 11th क्लास एग्जांपल वन 3x इज लेस देन 200 फर्स्ट केस व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर सेकंड केस x is an integer। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से सॉल्यूशन, जैसे समझ में आया होगा आपको, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो x is less than 200 है, सॉरी यहां 30 लिखा हुआ है, कब तक लिखता रहूंगा सॉल्यूशन, ये भी 30 है, तो यहां से हो गए 200/30, ठीक है बच्चों। दोनों तरफ मैंने 30 से डिवाइड कर दिया है, डिवाइड इस साइड भी किया, डिवाइड इस साइड भी किया, ये कट गया, तो यहां बच्चों x इज लेस देन 20/3, तो इसको सभी को मालूम है मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 होल नंबर 2/3। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि जो x है वो 6 होल नंबर 2/3 से छोटा है, और साफ बोला उसने पहले केस में, सॉल्यूशन में यहां लिखे दे रहा हूं, ये यहां लिख देता हूं उसका आंसर, पहले केस में वो क्या कह रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं
कि 6 से छोटा जो नेचुरल नंबर होगा, 6 होल नंबर 2 बाई 3 से छोटा, सॉरी 6 से नहीं, 6 होल नंबर 2 बाई 3 से छोटा जो नेचुरल नंबर होगा तो ऑब्वियसली वो 6 होगा, उससे छोटा 5 होगा, उससे छोटा 4 होगा, उससे छोटा 3 होगा, देन 2, देन 1, और ये मेरे पास डिफाइंड सॉल्यूशन आ चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यू विल राइट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट केस इन दिस वे, राइट बच्चों. अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की केस में. देखिए इंटीजर्स में क्या होगा, सारे बच्चों को मालूम है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं. इसके बाद यहां 0, और फिर इंटीजर्स यहां नेगेटिव में भी जाएंगे. और कहां तक जाएंगे बच्चों, नहीं पता, इसलिए हमने इसको इस तरीके से. तो आप क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आपके इंटीजर्स के लिए सॉल्यूशन आ चुके हैं और नेचुरल नंबर के लिए सॉल्यूशन आ चुके हैं. अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेता हूं, इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं. देखिए सेकेंड एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 2, 5x-3 <3 x plus 1. फर्स्ट x इज एन इंटीजर एंड सेकेंड केस x इज अ रियल. देखिए मैंने आपको बताया था ना ब्रैकेट के बारे में, इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको चीजें कब कौन सी यूज करनी है. देखिए यहाँ पर उसने डिफाइन किया उसको रियल है, यहाँ डिफाइन किया इंटीजर है. इंटीजर आप वेल डिफाइन कर सकते हो, रियल नंबर के बारे में बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो हमने पहले सॉल्यूशन लिखा इसका 5x-3, 3x plus 1. तो 5x-3x, 3 plus 1. एक्चुअली हमें करना रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, जो एनसीईआरटी बोल रही है कि आपको माइनस 3 हटाना था तो दोनों तरफ प्लस 3 करो, यहाँ से 3x हटाना था, लेकिन आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं. ये कितना हुआ 2x, ये कितना हुआ 4, therefore is what x is less than 2. अब सारे बच्चों को पता है कि उसने इंटीजर बोला है, पॉजिटिव नहीं बोला, तो x की वैल्यू 2 से छोटी है, 2 नहीं है, 2 से छोटी है. तो 2 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 1, 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 एंड सो ऑन. ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया कि कहां कि x एक इंटीजर मेरे को मिल चुका है, उसको मैं इस तरीके से लिखूंगा. अब बात आ रही है कि x एक रियल नंबर है. देखिए नंबर लाइन की अगर हम बात कर लें तो ये सबको पता है, x की अगर हम बात करें तो x 2 है और x की वैल्यू रियल नंबर पे 2 से छोटी है, तो 2 से छोटी पूरी यहां तक आ सकती है और इसके बीच में पता नहीं कितने इनफाइनाइट नंबर होंगे जो कि 2 से छोटे होंगे, इसीलिए हमने इसको किस तरीके से लिखा, -∞ to 2. ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि 2 इंक्लूड नहीं होगा, राइट. एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं कि अगर यहां लिखा हुआ है सॉल्यूशन ए टू बी, इट मींस द वैल्यू ऑफ एक्स इज बिटवीन ए एंड बी. जो एक्स की वैल्यू है वो ए और बी के बीच में है, ए और बी नहीं है, ए और बी के बीच में है. और अगर मैं इसको लिख देता x belongs to a and b close bracket, so it means the value of x is from a to b. So a b है और b b है, from a to b. इसको ऐसे लिख लेता हूँ, the value of x is a, the value of x is from a to b. From A to B, from A to B, A भी इंक्लूड होगा, B भी होगा, and between A and B, ऐसे लिख सकते हैं आप. The value of x is from A to B, A से B तक सारी की सारी वैल्यू और उसके बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी सेटिस्फाइड होंगी, ये आपका क्लोज ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करेगा.
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। एग्जांपल टू के बाद आया हमारा नंबर। एग्जांपल थ्री की हम बात कर लेते हैं बच्चों। पेज नंबर हो गया आपका 120। या एग्जांपल फोर लेते हैं तो ये हो गया 5 - 2x / 3 < x / 6 - 5। देखें बच्चों, फाइव माइनस टू एक्स अपॉन थ्री लेस देन और इक्वल्स टू एक्स माइनस 30/6। एक चीज और ध्यान रखेंगे सारे बच्चे कि आप फिलहाल अभी क्रॉस मल्टीप्लाई से बचेंगे। जो इसकी एल्गोरिथम है वो ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें। हालांकि बात वही है जो हम इसके बाद स्टेप करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हम और डिस्कस करेंगे जो कि हमारा एनसीईआरटी में नहीं है। जब वहां बात करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की कहानी फेल हो जाएगी। इसीलिए आप ध्यान रखें कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्स में, होम एग्जामिनेशंस में, तब आपको ध्यान रखना है कि इस साइड में आप 18 से और इस साइड में आप 18 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 6 और ये 6 से कैंसिल हो जाएगा 3। बात वही है जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट आप करने का तरीका ये रहेगा एग्जाम में। तो अब ये कितना हो गया 30 - 12x और ये कितना हुआ 3x - 90। तो यहां से बच्चों कितना हुआ 30 + 90 और ये कितना हुआ 12x + 3x। तो ये बच्चों कितना हुआ 120 और ये कितना हुआ 15x। तो ये कितना हुआ 8 < x। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। देखें ना, अब हमें ये नहीं पता कि x यहां पर क्या है, कि x इंटीजर है, कि x रियल नंबर है, या x नेचुरल है, क्या दे रखा है। अगर वो ये बोलता x जो है आपका 8 से बड़ा है, ऑड नंबर है, तो आप बता देते। तो जब आपको कुछ भी नहीं पता तो आप सॉल्यूशन जो देंगे वो रियल नंबर में देंगे। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि x belongs to x की वैल्यू 8 एंड ग्रेटर देन 8। तो x की वैल्यू 8 तो है ही, लेकिन उससे बड़ी भी है, तो उससे बड़ी रियल नंबर में कुछ भी हो सकती है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी और हमें इन्फिनिटी के बारे में पता नहीं है, इसलिए ब्रैकेट जो लगेंगे वो इस तरीके से ब्रैकेट बनेंगे। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गए 8, ∞, 8 पर क्लोज ब्रैकेट है और इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट है, राइट। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ और इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 6.1। 15 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं x/4 < 5x - 2/3 - 7x - 3/5। सिंपल, बस केवल साइन का फर्क है, बाकी क्वेश्चन इक्वलिटी की तरह ही है। x/4 इसका एलसीएम 15, 3 से कैंसिल हुआ ये 5, 5 - 2, 5 से कैंसिल हुआ 3, तो ये हो गया 7x - 3। ये कितना हुआ x/4 25x माइनस का 5 - 2 = 10, माइनस का 21x प्लस का 9 अपॉन में कितना आया 15, x/4 25 - 21 4x माइनस 1 अपॉन 15। देखिए बच्चों, मुझे मालूम है जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आना है, 60 से 60 से करूंगा तो मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ 15x < 4 × 4x - 1। थोड़ा देख लीजिएगा, सही लिखा है मैंने इधर,
वो ठीक। तो ये हो गया 15x, ये हो गया 16x माइनस 4, इसके बाद मैं साइड लेके चलता हूँ, तो ये कितना हुआ 4 16x माइनस ऑफ 15x, तो 4 इज लेस देन x, therefore x इज ग्रेटर देन 4, तो जो x belongs to, belongs to का साइन है, x belongs to what, x की वैल्यू 4 और उससे ग्रेटर, तो रियल नंबर की बात चल रही है 4 टू इंफिनिटी, ब्रैकेट्स कैसे लगेंगे, ओपन इंटरवल। सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस इन दिस मैनर, फॉर योर एनी क्वेरीज इनबॉक्स मी एंड फील फ्री टू आस्क एनी डाउट। ओके, थैंक यू सो मच।